हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार आलम साहब मौजूद हैं दरभंगा जिला के बिरोल के सुपौल बाजार में अफजला में मदरसा रहमानिया के सिक्योरिटी भी कह सकते हैं और सिक्योरिटी होने के नाते एक मैसेज इन्होंने पहले दिया था कि 6 और 7 यानी नवंबर को एक बड़ा इजलास होने जा रहा था मदरसा रहमानिया सुपौल बाजार में, जिसको लेकर तैयारी भी की जा रही थी और प्रशासनिक तौर पर प्रशासन को जो सूचना दी जाती है वो भी दी गई थी आवेदन के तौर पर। हालांकि अब ये स्थगित कर दिया गया है, कार्यक्रम जो होना था, जो जलसा होना था वो स्थगित हो गया है। अब उसके लिए भी इन्होंने प्रशासन को सूचित कर दिया है। तो हम इसी संबंध में सबसे पहले डॉक्टर इफ्तिखार साहब से जानकारी लेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि मदरसा रहमानिया में इतना बड़ा इजलास होना था, जिसको लेकर तैयारी भी चल रही थी, पूरे इलाके के लोगों को, आवाम के लोगों के बीच एक मैसेज भी जा चुका था, सब लोग इस तैयारी में लगे थे कि 6 और 7 तारीख को पूरी तरह से फ्री होकर अपने कामकाज से हम लोग वहाँ जाएंगे और इजलास के इतने बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहाँ जाएंगे, उलमाए दीन को सुनेंगे। लेकिन अब वो कार्यक्रम जो स्थगित हो गया, क्या वजह थी डॉक्टर साहब कि सब कार्यक्रम स्थगित हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया आकिब साहब, आपने पिछली बार भी हम जैसे नाचीज़ को मौका दिया और सोशल मीडिया के ज़रिए आपके माध्यम से पूरे इलाके की समस्याएं और बहुत सारी कमियां को हमेशा आप कहीं ना कहीं उजागर करते रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और फिर आपने हमें मौका दिया है, मैं आपके ज़रिए से फिर भी ये बताना चाहता हूं, ये बहुत खुशी का मौका था कि हमारे इलाके के लोग जिस जोश और खरोश के साथ इस जलसे की तैयारी कर रहे थे वो जोश खरोश अभी भी है और कल भी रहेगा। इसमें असल वजह ये थी कि हमारे जो अमीर शरीयत हैं, जो अमीर शरीयत बिहार, झारखंड, उड़ीसा तीनों स्टेट के अमीर शरीयत हैं और खानकाह रहमानी मुंगेर के गद्दी नशी हैं और हिमायत शरिया के सदर हैं, वो संजोग ऐसा है कि वो हम लोगों के भी मदरसा रहमानिया के भी वो सदर है, तो सदर की इजाज़त से ये प्रोग्राम था। और फिर जिसको हम लोग 6 और 7 नवंबर को करने जा रहे थे उसकी ज़ोर शोर से हम लोग तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन फिर अभी दूसरी हमने एक मेमोरेंडम कहिए या फिर वापस एक लेटर दिया जो पहले भी हमने प्रशासन को दिया था, और फिर हमने अभी दिया है SDO साहब बिरोल को और DSP साहब बिरोल को और थाना अध्यक्ष महोदय बिरोल को दिया है। उसमें हमने ये बात कहा है कि हमारे हजरत जो अमीर शरीयत हैं उनकी कुछ मशगूलियात है, अभी मैं बहुत मुल्क के भर के अंदर बहुत सारे उनके दौरे हैं और बहुत सारी मशगूलियात की वजह से ये प्रोग्राम जो 6 और 7 का होने वाला था वो इसी वजह से अब मुमकिन नहीं हो रहा था, वक्त को इसलिए इस प्रोग्राम को रोका गया है। और यकीनन आने वाले दिनों में मुमकिन है कि दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच फिर ये प्रोग्राम सेम इसी तरह का प्रोग्राम आने वाले दिनों में होगा इंशाल्लाह रहमान। डॉक्टर साहब, मतलब ये जो कार्यक्रम होना था, तैयारी भी हो रखी थी, पूरे इलाके के लोगों को जानकारी था, अब कार्यक्रम एकदम स्थगित हो गया है, तो आगे आपने कहा कि दिसंबर के आसपास या फिर कह सकते हैं जनवरी के बाद फरवरी, क्योंकि जनवरी में ज़्यादा ठंड होता है, फरवरी और मार्च के बीच में एक समय सीमा देखा जाए, एक तारीख चुना जाएगा और फिर उसके बाद जो मशवरे के तहत जो भी होगा फिर एक बार कहने का इजलास होना ही है। जी, इस तरह का प्रोग्राम होना ही चाहिए, हमेशा समाज में बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, जो आजकल खासतौर से कम उम्र में शादी ब्याह का मसला है, फिर जो है तलाक का मसला है ना, और इन सारी चीज़ों पर रोशनी हमारे उलमाए कराम आते हैं, इसमें मुल्क भर के उलमाए कराम आते हैं जिनकी बातें सुनकर हम इलाके के लोग फैज़याब होते हैं, ये मौका हमें मिला था हज़रत की तरफ से, और फिर हज़रत की मशगूलियात की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हुआ। यकीनन आने वाले दिनों में हज़रत से राबता करके हम लोगों की टीम बज़ाब्ता हज़रत से राबता करेगी और उनकी सहूलियत को देखते हुए, उनका वक्त को देखते हुए फिर से ये वक्त मुकर्रर होगा और मुमकिन है कि दिसंबर के लास्ट में या नहीं तो फिर जनवरी के बाद फरवरी में मुमकिन है कि ये प्रोग्राम होगा और बहुत जोश खरोश के साथ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर इफ्तिखार साहब थे। एक अहम जानकारी लेके हम पिछले बार भी आए थे, आप लोगों को बताया था कि कैसे मदरसा रहमानिया सुपौल बाजार में एक बहुत बड़े इजलास होना था 6 और 7 नवंबर को, लेकिन अब वो इजलास का कार्यक्रम जो है कहने के स्थगित कर दिया गया है और आगे होगा उसके लिए भी एक जब तारीख की ऐलान होगी, जब उनके लिए मशवरा होगा, मशवरे में तय की जाएगी तो हम फिर डॉक्टर साहब के पास आएंगे, क्योंकि मदरसा रहमानिया के सेक्रेटरी हैं तो कहीं ना कहीं जो जानकारी आती रहती है तो हमको देते रहते हैं, फिर हम ये जानकारी आप लोगों तक हमेशा पहुँचाते रहें और पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह। अगली खबर में फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए।